दोस्तों, मैंने आप सभी को बोला था कि IBPS PO इसका जो शॉर्ट नोटिस है आपको 31 जुलाई को दिख जाएगा और पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको कल दिखेगा, यानी 1 अगस्त को दिखेगा। शॉर्ट नोटिस IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हो चुका है और यहाँ पे दोस्तों 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगा। 21 दिन का जो विंडो रहता है ना वो सारे एग्जाम्स में रहता है, IBPS की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वो चीज़ है। लेकिन आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा और 10-12 घंटा या हो सकता है 15 घंटा या 24 घंटे के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा। हो सकता है कि कल ही सुबह आपको पता चल जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार, इस साल 2025-26 वाला जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें आपको दिखेगा। हो सकता है इस बार हम कयास लगा सकते हैं दोस्तों कि 5,000-6,000 वैकेंसीज या उससे भी ज़्यादा 8,000 तक भी चला जाए। जो भी है आपको इस बार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी और कुछ वक्त ही सही। और इसमें एक चीज़ तो रहता है, यहाँ पे आपको कोई स्टेट सिलेक्शन करने की बारी नहीं है, तो आप फटाक से जो है आप अपना जो PSBs है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, डाल दो। जैसे नोटिफिकेशन आएगा इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, डाल दो, टेंशन ओवर करो, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो लाइंड अप है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अब तो मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए दोस्तों कि 3 तारीख का जो परीक्षा है IBPS RRB PO का, उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। तो अभी कल छोड़ देना, एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाता है आपका 3 तारीख या 4 तारीख का, आके तुरंत डाल देना इसको, इसका भी टेंशन ओवर कर देना, ठीक है। तो बस मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ, कल नया दिन है, नया शुरुआत है। मैं आपको कल बताऊँगा दोस्तों कि आखिर के वक्त में आपको IBPS RRB PO में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। मैंने भी अपनाया था, तो क्या अपनाना चाहिए कि सिलेक्शन हम ले पाएँ, इसके बारे में मैं कल विस्तार में बात करूँगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो RRB PO का, RRB क्लर्क का, गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान उठा लो, वहीं से प्रैक्टिस करो। जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आपका IBPS RRB अच्छा जाएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर खरीदना है आपको गाइडली का मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन प्लान, तो फिर आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं SFY12 और आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ छूट मिल जाएगा। नमस्कार।